औरजुबिल्ल अजमिन शतवान बसमीम अलैक्म नाजरन उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे मैं हूं सा सलमान और आप देख रहे हैं एस एस क्यू स्पोर्ट्स आप अगर आज हमारे वीडियो पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज आपको पर वक्त मिलती रहें नाजरेन आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं आ, बिग बैश ऑस्ट्रेलिया में जा रही है और उसका आज काफ्स हारमैन के मुकाम पर सिडनी सिक्सर का मुकाबला एजिले स्ट्राइकर के साथ था एजिले स्ट्राइकर को उनसठ रन से फतेह हासिल हुई सिडनी सिक्सर्स ने सिडनी सिक्सर्स को फतेह हासिल हुई उनसठ रन से सिडनी सिक्सर्स ने दो सौ तीन रन बनाए एक सौ एक रन के शानदार इनिंग खेली केवन स्मिथ ने एक सौ एक रन बना के रन आउट हुए छप्पन बॉलों पर जॉर्ज फिलिप्स ने एक रन बनाया जबकि तिरतालीस रन की इनिंग खेली इकतीस रन जॉर्डन सेल्क ने बनाया जबकि कैप्टन मोहनिक चारन बना के आउट हुए डैन क्रिश्चियन ने आउट होने से कबल आखिरी बॉल पे इनिंग की पंद्रह रन बना रखे थे आठ रन एक्सरा के शामिल थे अजले एजलिस की जानब से बॉलिंग में मैथ्यू शार्ट को एक विकेट मिली जबकि कैमरून के बॉयस को एक विकेट मिली और वेस्ट एगर ने अड़तालीस रन देकर दो विकेटें हासिल की जवाबी इनिंग में अजले स्ट्राइकर को दो सौ चार रन का टारगेट हासिल करना था जिसके जवाब में चालीस रन मैथ्यू शार्ट और एलेक्स कैरी के चौवन के अलावा कोई भी बैट्समैन का मेले जिक्र स्कोर नहीं बना पाया और इस तरह टीम एक सौ चौवालीस रन बना के उन्नीसवे ओवर के अख्ताम पे ऑल आउट हो होगी तो इस तरह उनसठ रन से फतेह हासिल हुए उनसठ रन से सिडनी सिक्स को फतेह हासिल हुए की जानब से टाज मर्फी और बैन दरवे ने तीन तीन विकेट हासिल की दो विकेटें उसकी वो कैफी को मिली जबकि एक विकेट सेन एबर्ट को हासिल हुए जानब से शानदार बैटिंग करने पर सेंचुरी पर स्टीवन स्मिथ को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया बांग्लादेश प्रीमियर लीग में आज दूसरा मैच खेला गया रंग राइड, आज के दिन का दूसरा मैच मतलब खेला गया रंगपुर राइडर और खुलना टाइगर्स के दरमियान रंगपुर राइडर एक रन बना पाए वहाब रियाज की शानदार बॉलिंग की बदौलत उनकी टीम को ज्यादा स्कोर करने से उन्होंने रोका और ने चार विकेट हासिल की चार ओवरों में चौदह रन दे के अम्माद भट्ट ने तीन ओवरों में सोलह रन दिए और तीन विकटे हासिल की जबकि तेईस रन दे के दो विकटे हासिल की तीन ओवर में नाहद उल इस्लाम ने रंगपुर राइटर की जाने से परवेज हुसैन ईमान ने पच्चीस रन बनाए अड़तीस रन महदी हसन मिराज ने बनाए तो केवल हसन ने बारह रन बनाया इसके अलावा कोई भी खिलाड़ी उनका का स्कोर करने में कामयाब नहीं हुआ। रन टारगेट बाड़िया दो ओवरों में एक विकेट के नुकसान पर असर किया मुनम सरकार जो है मुनिम शहर यार अजमतला के हाथों आउट इक्कीस तो वालों पर इक्कीस रन बना के सैतालीस बालों पर साठ रन की इनिंग खेली तमीम इकबाल ने जबकि बयालीस बालों पर अड़तीस रन महमूद अल हसन जॉय ने बनाए जन्ने वाली वायर वकट आ, अजमत मजी को हासिल हुए वहाब रियास को शानदार बॉलिंग करने पर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया नाजरीन इसके अलावा आज कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बातें जिसमें मिसबा उलह ने पी सी बी को ऑफ़र किया है कि वो बजाय ग़ैर मुल्की कोचेस पर इन्वेस्ट करने के अपने लोकल पाकिस्तानी कोचेस पर इन्वेस्ट करें और उन्होंने उनसे आज सवाल किया गया कि अगर आपको ऑफ़र की जाए तो क्या आप कोचिंग के लिए तैयार हैं तो so, uh, उनका मतलब बिटवीन द लाइन बात करने का मकसद यह था कि मैं जूनियर लेवल पर तो नहीं या बतौर uh, चीफ सेलेक्टर या बतौर अगर आप uh, पाकिस्तान टीम की कोचिंग के लिए बुलाना चाहते हैं तो किसी भी अगर मैं रब्ता करेगा तो मैं हाजिर हूं मतलब uh, समझ नहीं आता है कि जो भी खिलाड़ी आता है वो uh, सीधा डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में आने की कोशिश करता है इनको चाहिए कि अपने पहले डोमेस्टिक में करें और उसके बाद करके इधर इनको आना चाहिए पाकिस्तान टीम की तरफ तो कोर्सेज वगैरह आजकल होते हैं वो भी इन्होंने बिल्कुल कोई कोर्स नहीं किया ये सीधा अभी रिटायर हुए थे तो उठ कर सीधा इनको सेलेक्टर काम कोच बना दिया था इन्होंने और वसीम अक्रम ने बाबर आजम के गर्द जो मैंने उस टॉपिक पर ना कल वीडियो किया ना मैं मतलब आज कोई बात करना चाहता हूँ उस टॉपिक पर जो हो रहा है वो उसका ज़्याती मसला है मेरे नज़दीक है कि वो बेहतर जानेगा उसके वाल साहब भी बीच में कूद पड़े हैं उनका तो कोई तो ज़्यादा ही शौक है मीडिया में आने का और कूदने का हर चीज़ में तो मैंने इस टॉपिक पर कोई बात नहीं की तो लिहाजा उस, उस बात को साइड पर रखते हुए मेरा नजदीक ये है कि वो पीसीबी को इस चीज़ को अब देखना चाहिए कि उसको कैसे हैंडल करना है क्योंकि वो सिर्फ एक हमारा उससे इख्तलाफ सिर्फ उसके कप्तानी के हद तक और जो उसकी हरकतें हैं उस तक है लेकिन अगर उसकी हरकतों की रीजन उस वीडियो में आपको नजर आ रही है तो उस वाले से आप किसी भी को सोचना पड़ेगा कि उसको वो कैसे हैंडल करते हैं तो इसके बाद अब देखते हैं आगे जो बात होती है वसीम अक्रम ने बाबर आजम को कप्तानी से हटाने के खिलाफ बयान दिया है कि उनको पाकिस्तान टीम की कप्तानी से फिलहाल नहीं हटाना चाहिए तो ये देखते हैं अभी इस चीज पर आगे चल के क्या सूरत हाल निकलती है और कल के आ, कल के खबर थी कि वकार यूनस आ, का नाम आ रहा है जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की दोबारा से कोचिंग पॉलिंग कोचिंग के हवाले से तो उन्होंने आज एक ट्वीट की है कि ना मेरे से किसी ने रबता किया और आ, ना ही मैं पाकिस्तान की टीम की कोचिंग करने में इंटरेस्टेड हूँ तो इसलिए उनको आ, अच्छा है कि उनको अगर कांटेक्ट नहीं किया गया तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि वह जब भी आए हैं तो उन्होंने टीम के मुराल का ग्रुपिंग और ये वो पेड़ा गर्क करके गए हैं हमेशा तो बेहतर यही है कि नहीं वसीम अक्रम ने कोचिंग ना करने के हाले से आज अपने एक इंटरव्यू में जिसमें बाबर की उन्होंने बात की उसी में उसी इंटरव्यू में उनसे सवाल हुआ कि आप पाकिस्तान टीम को बतौर कोच क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं तो उन्होंने कहा है जी मैं पाकिस्तान टीम को कोचिंग ना करने की मेरी एक सबसे बड़ी वजह यही है कि जो आवाम और लोग जो पाकिस्तान टीम के कोचे और कप्तान पे जो गाय जरूरी और गलत तनकीद करते हैं वो मैं नहीं सुन सकता तो ये इस तरह उन्होंने मतलब बात किया कि मैं फजूल बात सुनने का आदि नहीं हूँ जो मेरी इज्जत करेगा तो मैं इज्जत करूँगा और जो इज्जत नहीं करेगा तो नहीं करेगा बारह जहां तक यूट्यूबर्स का और मतलब या भी जर्नलिस्ट की बात भी आप कर लें टीवी प्रोग्राम वाले हो गए ये हो गए वो हो गए जैसा ये खुद भी होते हैं तो ये खुद भी टीवी प्रोग्राम में बैठे होते हैं तो ये कारकर्दगी कर के ऊपर बात कर रहे होते हैं तो इसमें तो किसी को बुरा नहीं बनाना चाहिए कर रहे तनकीद बुरा तनकीद एक अलग चीज है और तनकीद बर असलाह को नज़र रखनी चाहिए बहरहार पाकिस्तान को इस वक्त एक अग्रेसिव कोच की ज़रूरत है मेरे नज़दीक पाकिस्तान को एक ऐसा कोच चाहिए जो पाकिस्तान को माइंडसेट को एग्रेसव बनाए और वो एग्रेसव ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि माइंड सेट बनना या इस तरह होना इसमें ये एक दिन का काम नहीं है इसमें टाइम लगेगा तो चीफ लिए अभी दो ही नाम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं इस वक्त और मेरे जराए की ख़बर के मुताबिक जो है पी सी बी का रताता इन दोनों खिलाड़ियों से चल रहा है अपने बंदों के थ्रू उनमें सबसे सर फैर शुब अख्तर हैं उसके बाद कामरान अकमल का नाम आ रहा है जो कि मेरा ख्याल है एक और जरा साबित होगा पाकिस्तान के लिए इसलिए बेहतर है कि उस शुब अख्तर अगर उनसे मामला तो आपके तहत नहीं हो पाते तो उसकी जगह आप राशि लतीफ को ले लें वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा अब तो रजाक को कमेटी में रखा जा सकता है अच्छे सेलेक्टर हैं कोचिंग भी उन्होंने नाजरन की, की तो बहुत अच्छी की थी बहरहाल एक अच्छा आ, आ, अच्छा तजर्बा रखने वाले खिलाड़ी हैं कमरान अकमल के हवाले से मैं नहीं हूं क्योंकि उनके वो जो है जिना बाबर बाबर आजम साहब वो भी टीम में तो ये उनकी कप्तानी के अपने यूट्यूब चैनल पर बैठे लगे रहते हैं जी कप्तानी हटाओ कप्तानी हटाओ तो ये और मसाइल खड़े हो जाएंगे टीम में तो बेहतर यही है कि शोएब अख्तर की तरफ जाया जाए या अगर किसी तरीके कोशिश करके अफरीदी को कम से कम इस वर्ल्ड कप तक लिया जाए तो पत्तर है अभी आ गया पी सी एफ पी एस एल है पी एस एल के फौरन बाद आपके पास अफगानिस्तान वाली ओडीआई सीरीज आ गई है फिर आगे आपने न्यूजीलैंड में दस मैच खेल लिया तो पंद्रह मैच अभी आपके तो फौरन लगातार हैं तो इसलिए स्वेक्टर आपको अभी बना देना चाहिए ताकि वो पी एस एल के दौरान खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर नजर रखे और फिर उसके हवाले से वो आगे टीम बनाए तो नजीन यह था आज का प्रोग्राम वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों यारों के साथ शेयर करें अपना ख्याल रखिएगा आपसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद